आर्टिकल 13 की जो हेडिंग है वो कहती है लॉ इनकंसिस्टेंट विद और डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इनकंसिस्टेंट मतलब कि उसके साथ हार्मनी नहीं है, उसके साथ मिलजुल कर नहीं है, या डेरोगेशन का मतलब होता है उसके ठीक ऑपोजिट जा रही है, उसके विपरीत जा रही है। ठीक है, तो ऐसे लॉज के बारे में बात कर रहा है कि यदि कोई लॉ फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा है तो उस लॉ का क्या होगा, ये बात कर रहा है आर्टिकल 13। तो आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 जो है वो बात करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आने के पहले जो लॉज इंडिया में फोर्स में थे उन लॉज की बात करता है। ठीक है, क्या कहता है ये आर्टिकल, आइए पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ऑल द लॉज इन फोर्स इन इंडिया इमीडिएटली बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ऐसे सारे कानून, ऐसे सारे लॉज, ऐसे सारे स्टेट्यूट्स जो फोर्स में थे इंडिया में इस कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के पहले, दैट इज 26 जनवरी 1950, ये डेट है कमेंसमेंट की, इस डेट के पहले तक जो भी लॉज इंडिया में फोर्स में थे और वो लॉज यदि इनकंसिस्टेंट है या फिर डेरोगेटरी है किसी भी फंडामेंटल राइट के, तो वो लॉ वॉइड होगा। ठीक है, वो लॉज वॉइड होंगे, और किस हद तक वॉइड होंगे, किस एक्सटेंट तक वॉइड होंगे, उस इनकंसिस्टेंसी की एक्सटेंट तक। ठीक है, वॉइड का मतलब होता है शून्य, जीरो, नल। ठीक है, तो यदि ऐसा कोई लॉ है जो 26 जनवरी 1950 के पहले इंडिया में फोर्स में था और वो लॉ फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो वो लॉ उस एक्सटेंट तक वॉइड होगा या इनऑपरेटिव होगा या नल होगा जिस एक्सटेंट तक वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है। इसको आप ऐसे भी समझें कि 26 जनवरी 1950 के पहले वाले ज्यादातर लॉज वो थे जो ब्रिटिश एरा में थे, और ब्रिटिश एरा में बहुत ज्यादा फंडामेंटल राइट इंश्योर नहीं की जाती थी लोगों की, है ना, या यूं कहें कि बहुत सारे रिग्रेसिव लॉज भी बनाए जा रहे थे ब्रिटिशर्स के एरा में। कई सारे एग्जाम्पल हमने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़े होंगे, इल्बर्ट बिल था, या फिर पब्लिक सेफ्टी एक्ट था, एक रॉलेट एक्ट था। ये सारे एक्ट ऐसे थे जो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रावेन करते थे लोगों की फंडामेंटल राइट, बट उस एरा में फंडामेंटल राइट्स जैसा कोई डिक्लेरेशन था ही नहीं। बट 26 जनवरी 1950 के बाद वो डिक्लेरेशन आ गया कि हाँ भाई अब लोगों को फंडामेंटल राइट्स गारंटी की जाएंगी। तो ऐसे सारे लॉज जिनमें फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रही हैं वो सारे वॉइड हो जाएंगे। ठीक है, ये कह रहा है हमारा क्लॉज 1, और इसी क्लॉज में एक बहुत जरूरी प्रिंसिपल है। पहले हम वो प्रिंसिपल समझते हैं और उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। इस प्रिंसिपल को कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। एक्लिप्स आप जानते हो, ग्रहण को कहते हैं, जो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है उसमें क्या होता है कि एक बॉडी दूसरी बॉडी के सामने आ जाती है, सूर्य ग्रहण में या चंद्र ग्रहण में एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, उसको ग्रहण कहते हैं। तो यहां पर यूं समझ लो आप कि एक लॉ के सामने कॉन्स्टिट्यूशन नाम की बॉडी आ गई है। ठीक है, इसीलिए उसको एक्लिप्स कहते हैं। और क्या है इस एक्लिप्स का मीनिंग देखते हैं। एनी सच लॉ, कौन सा लॉ, द लॉ विच इज इन फोर्स इन इंडिया बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड विच इज डेरोगेटरी टू फंडामेंटल राइट। सो एनी सच लॉ इज नॉट डेड ऑल टूगेदर, नॉट डेड ऑल टूगेदर, बट ओवर शेडोड बाय फंडामेंटल राइट एंड रिमेन्स डोरमेंट एंड एक्लिप्स टू द एक्सटेंट इट कम्स अंडर द शेडो ऑफ फंडामेंटल राइट। इस पूरे प्रिंसिपल को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप एक लाइन में जान लो
मान लीजिए कोई एक ऐसा लॉ था जो इंडिया में एनफोर्सेबल था या इनफोर्स था, आई एम सो सॉरी, कोई एक ऐसा लॉ था जो इंडिया में फोर्स में था बिफोर 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कमेंस हो गया, उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया फंडामेंटल राइट्स, और वो लॉ जो था वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा था, तो क्या होगा? पूरा का पूरा लॉ डेड नहीं हो जाएगा, पूरा का पूरा लॉ खत्म नहीं हो जाएगा, उस लॉ के ऐसे पोर्शन जो फंडामेंटल राइट से कॉन्ट्रावेन कर रहे हैं सिर्फ वे ही डोरमेंट होंगे, वे ही डेड माने जाएंगे, वे ही एक्लिप्स हो जाएंगे। एक्लिप्स मतलब ओवरशेडो, फंडामेंटल राइट उतने पोर्शन को ओवरशेडो कर देगा, ठीक है। डोरमेंट का मतलब होता है इनएक्टिव, इनएक्टिव फॉर अ टाइम बीइंग बट इट कैन बी रीएक्टिवेटेड, ठीक है, नॉट कंप्लीटली डेड एंड नॉट इवन कंप्लीटली लिविंग, वो पोजीशन होती है डोरमेंट। इसको आप वैसे समझ लो जैसे इंसानों में एक स्टेट होती है ना जिसको हम लोग हिंदी में कह देते हैं कोमा, इज बेसिकली यू आर अलाइव बट यू आर नॉट वर्किंग, है ना, आप डेड भी नहीं हो लेकिन आप कंप्लीटली लिविंग भी नहीं हो, आप एक ऐसी स्टेट में हो, एक स्टेबल टाइप की स्टेट में कि समझ गए। तो डोरमेंट वही होता है, डोरमेंट हम यूजुअली वॉल्केनोस के केस में ये टर्म यूज करते हैं। आप जब ज्योग्राफी पढ़ोगे तो तीन तरह के वॉल्केनोस बताए जाएंगे, एक होते हैं एक्टिव वॉल्केनोस, एक होते हैं एक्सटेंट वॉल्केनोस और एक होते हैं डोरमेंट वॉल्केनोस। तो एक्टिव वो है जो लगातार लावा हवा फेंक रहे होते हैं, एक्सटेंट वो होते हैं जो खत्म हो चुके अब लावा नहीं फेंकेंगे, और डोरमेंट वो होते हैं कि अभी इनएक्टिव जरूर है लेकिन कभी भी एक्टिव हो सकते हैं। ऑलराइट, कि वो उतने पोर्शन इनएक्टिव हो जाएंगे जो फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर रहे हैं, ठीक है, पूरा का पूरा लॉ डेड नहीं हो रहा है कंप्लीटली, इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है ना। मान लो 1920 में कोई एक लॉ आया होगा, ठीक है, अब उस 1920 में आए हुए लॉ का कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन कॉन्ट्रावेन कर रहा है फंडामेंटल राइट को, तो पूरा का पूरा लॉ तो नहीं खत्म कर देंगे, वो पर्टिकुलर पोर्शन जो है वो पर्टिकुलर पोर्शन डोरमेंट होगा, वो पर्टिकुलर पोर्शन ओवरशैडो होगा फंडामेंटल राइट से, ना कि पूरा का पूरा लॉ। अभी सिर्फ इतना आप जान लो, ठीक है, इसी में अब इस तरह से थोड़ा और अंदर जाने लगे वो क्वेश्चन में। तो कौन सा आर्टिकल डील करता है? सो दैट इज आर्टिकल 13 क्लॉज 1, वो है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स से रिलेटेड, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर अप्लाई होता है, ठीक है। आर्टिकल 13(1) बात कर रहा है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की। अब हम आ जाते हैं आर्टिकल 13 क्लॉज 2 जो बात कर रहा है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की, यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आ गया, इसके फोर्स में आने के बाद वाले लॉज की ये बात कर रहा है। बात क्या कर रहा है? ये बेसिकली रेस्ट्रिक्ट कर रहा है हमारे देश के लेजिस्लेचर को, हमारे कंट्री के लेजिस्लेचर को लिमिट कर रहा है। क्या लिमिट कर रहा है? द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और एब्रिजेस द फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो ये स्टेट को लिमिट कर रहा है कि स्टेट ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा हो या एब्रिज कर रहा हो, और विच इज टेकिंग अवे द फंडामेंटल राइट, और विच इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, और विच इज सब्जुगेटिंग द फंडामेंटल राइट, ये लिमिट कर रहा है, ठीक है, ये स्टेट को लिमिट कर रहा है आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 कि भाई आप फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं करोगे, ठीक है, और जो आपने कर दिया तब क्या होगा? तो आगे ये कह रहा है एनी लॉ डूइंग सो, एनी लॉ विच इज एब्रिजिंग
or taking away the fundamental right shall be void to that extent. यदि कोई भी law fundamental rights को violate कर रहा है तो वो void होगा उस extent तक. किस extent तक? जिस extent तक वो हमारे fundamental rights को breach कर रहा है या violate कर रहा है. लगभग वैसी ही बात है. देखिए 13(1) और 13(2) में एक छोटा सा अंतर है. 13(1) उन लॉज की बात कर रहा है जो ऑलरेडी बने बनाए हैं. ठीक है, अब तो जो बन चुका उसको आप रोक नहीं सकते हो ना. ठीक है, तो 13(1) रोक नहीं रहा है, सिर्फ उसको ठीक करने की बात कर रहा है कि उतना पार्ट हटा दोगे आप. 13(2) पहले तो रोक रहा है कि आप नहीं वायलेट करोगे, और दूसरा यदि कर दोगे तो वो वॉइड हो जाएगा उस एक्सटेंट तक. ठीक है, ये अंतर है पहले और दूसरे में. पहला प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की बात कर रहा है जो कि बने बनाए लॉज है. सेकंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की बात कर रहा है कि स्टेट अब आगे जो लॉज बनाएगा वो किस तरह के बनाएगा, वो फंडामेंटल राइट को ध्यान में रखकर बनाएगा. ठीक है, एक और छोटा सा हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, द डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वेबिलिटी. द डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वेबिलिटी, सर्वेबिलिटी को बिल्कुल सरल भाषा में हम कहते हैं सेपरेशन, पृथककरण, अलग अलग कर देना. ठीक है, अलग अलग कर देना इज सेवरेबिलिटी. तो ये कॉन्सेप्ट कहता है कि यदि सिर्फ एक छोटा सा पार्ट किसी लॉ का कॉन्ट्रवेंशन है फंडामेंटल राइट के, तो आप पूरा का पूरा लॉ मत खत्म करो. आप उस लॉ से वो पार्ट अलग कर दो, सेपरेट कर दो. और यदि वो सेपरेट हो सकता है तो सिर्फ उतना पार्ट आप खत्म कर दो, बाकी जो लॉ है ठीक है उसको एज इट इज रहने दो. लेकिन यदि सेपरेशन पॉसिबल ही नहीं है, मैं एग्जांपल के लिए आपसे कहूं कि क्या आप दूध में मिक्स्ड पानी को सेपरेट कर सकते हो? नहीं कर सकते ना. तो कई बार ऐसे लॉज होते हैं जिनमें आप उस पार्ट को हटा ही नहीं सकते हो जो पार्ट फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है, तब उस केस में पूरा का पूरा लॉ वॉइड हो जाएगा. और यदि आप ये सेपरेशन कर सकते हो कि कौन सा पार्ट वॉयलेटिव है और बाकी का पार्ट नहीं है, तो वो जो पार्ट है सिर्फ वो वॉइड होगा, बाकी का पार्ट एज इट इज एक्शन में रहेगा. और ये प्रिंसिपल जो है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल दोनों लॉज पर एप्लीकेबल है. चाहे आर्टिकल 13 के क्लॉज 1 की आप बात करो ये वाले, या 13 के क्लॉज 2 की बात करो. चाहे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो बन चुके हैं या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो आगे बने होंगे 26 जनवरी के बाद, उन दोनों पर एप्लीकेबल है. यदि किसी भी लॉ में ऐसा कोई पार्ट बस है जो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है और वो पार्ट आप पेरेंट एक्ट से सेपरेट कर सकते हो, तो पूरा का पूरा लॉ खत्म करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो पार्ट आप वॉइड डिक्लेयर कर दो, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. ये समझ आ गया? मान लीजिए एक टोकरी में खूब सारे मैंगोस भरे हुए हैं और एक मैंगो सड़ गया है, तो आप क्या करोगे? पूरी टोकरी तो अलग नहीं कर दोगे ना, आप क्या करोगे? वो सड़ा मैंगो हटा दोगे, राइट? लेकिन फर्ज कीजिए कि आपने टोकरी भर मैंगो से मैंगो शेक बना लिया, उन मैंगोज में 2-3 मैंगो सड़े हुए थे. नाउ इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू टू सेपरेट सड़ा हुआ मैंगो या सड़ा हुआ पार्ट ऑफ मैंगो शेक फ्रॉम रेस्ट ऑफ द पार्ट, राइट? तब उस केस में पूरा का पूरा लॉ वॉइड हो जाएगा. यदि सेपरेट हो सकता है तो सिर्फ वो पार्ट वॉइड हो जाएगा, बाकी पार्ट एक्शन में रह सकता है. ये होती है डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वेबिलिटी. तो ये दोनों प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज दोनों पर बराबर एप्लीकेबल होते हैं. ठीक है, लेकिन सवाल ये आता है कि जो इतनी हमने बातें कर ली, किसके बारे में बात कर रहे थे? लॉज के बारे में. लॉ आखिर होता क्या है?
एग्जैक्टली व्हाट इज लॉ, उसकी कोई डेफिनेशन भी तो होनी चाहिए, है ना? क्या है लॉ, कौन सा लॉ की बात कर रहे हो आप? न्यूटन के लॉ की बात कर रहे हो क्या, या फिर फिजिक्स के लॉज की बात कर रहे हो आप? क्या है लॉ? तो लॉ की जो डेफिनेशन है वो अगले क्लॉज में दे रखी है, दैट इज आर्टिकल 13 क्लॉज 3। आर्टिकल 13 क्लॉज 3 डिफाइन करता है लॉ को, जो कहता है कि फॉलोइंग टाइप्स होंगे या फॉलोइंग चीजें इंक्लूडेड होंगी लॉ में। तो सबसे पहला है परमानेंट लॉज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बनाए हुए जो परमानेंट लॉज हैं वो लॉ की डेफिनेशन में आएंगे। इनको हम एक्ट्स भी कहते हैं, आपने सुना होगा बहुत सारे एक्ट्स के नाम, है ना? सुने हैं कि नहीं सुने? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये एक्ट, वो एक्ट, फलाना ढिमकाना। पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाए हुए होते, ये परमानेंट लॉज होते, तो वो सारे परमानेंट लॉज जो हैं वो स्टेट, वो लॉ की डेफिनेशन में आएंगे। फर्दर टेम्परेरी लॉज लाइक ऑर्डिनेंसेस इशूड बाय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 123। देखिए ऑर्डिनेंस जो है वो प्रोवाइडेड है आर्टिकल 123 में, तो प्रीलिम का एक क्वेश्चन तो यहीं पर कंप्लीट होता है कि ऑर्डिनेंस कहाँ पर दिए हुए हैं, तो वो है आर्टिकल 123 में। कौन इशू करता है ऑर्डिनेंस, तो वो करता है प्रेसिडेंट। और बहुत ब्रीफली इसका मीनिंग भी यहाँ पर दिया, टेम्परेरी लॉज। ऑर्डिनेंस एक तरह का टेम्परेरी लॉ होता है जो फॉर अ टाइम बीइंग ऑन एन एडहॉक बेसिस लगा दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ऑर्डिनेंस इशू कर दिया जाता है अंडर आर्टिकल 123। और स्टेट में ये पावर होती है गवर्नर के पास अंडर आर्टिकल 213। 123 को आप थोड़ा सा जंबल अप करोगे तो 213 बनता है, तो इसको आप याद रख लोगे। 123 तो बिल्कुल सीक्वेंस है ना? ऑर्डिनेंस का पावर प्रेसिडेंट का है 123 में, उसको थोड़ा सा जंबल अप कर दो तो स्टेट गवर्नर का पावर है 213 में। ये ऑर्डिनेंसेस टेम्परेरी लॉज होते हैं, बट ये भी लॉ की डेफिनेशन में आते हैं, ठीक है? देन कम्स स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स। स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब है कुछ लीगल इंस्ट्रूमेंट जो किसी लॉ के वर्च्यू से बनाए गए हैं, जैसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब होता है जब कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को डेलीगेट कर दे लेजिस्लेचर कि भाई फला मुद्दे पर आप खुद रूल्स बना लो, वो कहलाता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। देखो लॉ बनाना किसका काम है, लेजिस्लेचर का, है ना? और लॉ एनफोर्स कराना किसका काम है, एग्जीक्यूटिव का। तो कुल मिलाकर एग्जीक्यूटिव का काम लॉज बनाना नहीं है ना, लॉज बनाना काम किसका है, लेजिस्लेचर का। बट कभी कभी किसी कारण से लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव से कह देता है कि साहब आप ही इस पर कोई लॉ बना लो, ठीक है? तो वो ऐसा लॉ कहलाता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी लॉ की डेफिनेशन में आएगा। और जितने भी रूल्स हैं, ऑर्डर्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं, ये सब टर्म आप सुनने सुनने लग रहे होंगे। रूल्स, रूल्स और प्रोसीजर होते हैं भाई, आपके कॉलेज में भी बहुत तरह के रूल्स रहे होंगे ना, है ना? कि ड्रेस कोड होगा, 8 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलेगी, आईडी कार्ड लगाना पड़ेगा, ये सारे रूल्स होते हैं। तो जब गवर्नमेंट ऑफिसेस में भी कई सारे रूल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए अभी कलेक्टर साहब ने एक आदेश निकाला है, ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ सागर इशूड एन ऑर्डर और मेड एन रूल रिगार्डिंग द लॉकडाउन, ठीक है? तो कलेक्टर साहब लेजिस्लेचर तो नहीं है, वो तो एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, लेकिन वो ऑर्डर दे रहे हैं ना कि भाई 10 बजे से लेकर, रात के 10 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक इस डेट को नाइट कर, ओ सॉरी, लॉकडाउन रहेगा सागर शहर में। तो ये ऑर्डर है,
इसके लिए उनने बहुत सारे रूल्स भी बनाए होंगे, तो ये सब भी लॉ की डेफिनेशन में आ जाएंगे। ये जो स्टेटरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज द्वारा दिए जाते हैं, वो सब भी लॉ की डेफिनेशन में आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? ये पॉइंट समझ में आ गया। थर्ड वाला, अगला है कस्टम्स और यूसेजेस हैविंग फोर्स ऑफ लॉ। कस्टम आप सब जानते हो, रूढ़ियां परंपराएं, जो हमारी परंपराएं हैं कई सालों से चली आ रही हैं, ठीक है, लगातार चली आ रही हैं। ऐसी परंपराएं जिन्होंने अब लॉ का फॉर्म ले लिया है, देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ वे ही कस्टम लॉ के फोर्स लेते हैं जो कस्टम इमोरल ना हो, इनह्यूमन ना हो, ठीक है, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी ना हो। इसको मैं आपको एक इलस्ट्रेशन से समझा सकता हूँ। सती वॉज अ कस्टम, राइट? द इविल प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज अ कस्टम, वो एक कस्टम ही तो था। हमारे भारत में क्या कस्टम था कि यदि किसी औरत के पति की डेथ हो जाती है तो उसको भी चिता पर अपने पति के साथ लेटना होगा। ये एक कस्टम तो था, है ना, कस्टम ही तो था। पर क्या अब ये कस्टम फॉलो होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये इमोरल भी था, इनह्यूमन भी था और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट भी था। तो ऐसा कोई भी कस्टम जो इमोरल हो, इनह्यूमन हो, अनएथिकल हो, अनैतिक हो, ऐसे कस्टम्स को लॉ का फोर्स नहीं मिल सकता है, ठीक है। अब आप कहोगे कि ये तो आपने उल्टा वाला बता दिया, कोई सीधा वाला भी बता दो। हिंदुओं में मैरिज के लिए एक एसेंशियल होता है सप्तापदी। सप्तापदी यानी सात फेरे। सात फेरे तो सबने सुना होगा। हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग वो सात फेरे लेना कमेंसमेंट ऑफ मैरिज को डिनोट करता है। आपने एक बार सात फेरे कंप्लीट किए, इसका मतलब हो गया कि आपकी शादी हो गई, ठीक है। दैट मैरिज विल बी लीगली वैलिड मैरिज, ठीक है, होगी ना। तो ये सप्तापदी या ये सात फेरे लेने वाला जो कस्टम है, या इसने लॉ का फोर्स ले लिया है कि वंस यू टेक द सेवेंथ राउंड अक्रॉस द फायर, ओ सॉरी अराउंड द फायर, योर मैरिज इज कंप्लीटेड एंड इट इज अ लीगल वेडिंग। तो इस कस्टम ने एक लॉ का फोर्स ले लिया, क्योंकि ये कस्टम ना तो इमोरल है, ना इनह्यूमन है, ना अनएथिकल है, और कंटिन्यूटी से ये चला आ रहा है। पता नहीं कब से ये चला आ रहा होगा, कितने हजारों सालों से, ठीक है। तो ऐसे कस्टम भी लॉ माने जाएंगे, ठीक है। सारे कस्टम नहीं, लेकिन सिर्फ वही कस्टम जो फोर्स ऑफ लॉ रखे। नहीं तो आप कहेंगे साहब हमारे यहाँ तो कस्टम है एग्जाम के पहले दही चीनी खा के जाना, तो नो दैट डोंट हैव फोर्स ऑफ लॉ, ठीक है। वो आपका पर्सनल कस्टम रहा होगा या पर्सनल यूसेज रहा होगा, दैट्स ओके, ठीक है। ये समझ में आया? फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट बहुत सिंपल, बस इतना ध्यान रखना है कि ऐसे कस्टम जो धीरे धीरे एक लॉ जैसे बन जाते हैं, वो माने जाएंगे लॉ की डेफिनेशन में, वो कवर अप होंगे, ठीक है। आर्टिकल 13 का क्लॉज 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आगे हमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कल पढ़ेंगे उसके लिए ये आर्टिकल 13 का क्लॉज 4 बहुत बहुत जरूरी है। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो आर्टिकल 13 का क्लॉज 4 कहता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 इज नॉट अ लॉ। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहाँ प्रोवाइडेड है? वो आर्टिकल 368 में है, ठीक है। आर्टिकल 368 में दिया हुआ है द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट। यदि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना है, ऑल्टर करना है, मॉडिफाई करना है, कुछ ऐड करना है, कुछ सब्सट्रैक्ट करना है, तो हमें क्या करना होगा? अमेंडमेंट करना होगा। ये अमेंडमेंट कैसे होगा, क्या क्या उसके रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सब दिया हुआ आर्टिकल 368 में। और आर्टिकल 13 का क्लॉज 4 कह रहा है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ की
डेफिनेशन में नहीं आएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बात है भाई ये, ध्यान रखिएगा इसको। आर्टिकल 13 डिक्लेयर्स द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अंडर आर्टिकल 368 इज नॉट अ लॉ एंड कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन सुप्रीम कोर्ट। यदि आप कोई पार्लियामेंट कोई अमेंडमेंट करता है तो वो अमेंडमेंट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। ये फोर्थ पॉइंट आपको दिख रहा होगा, द एम ऑफ फंडामेंटल राइट इज टू प्रिवेंट अ स्टेट फ्रॉम बीइंग टोटलिटेरियन। फंडामेंटल राइट रेस्ट्रिक्ट करती है, प्रिवेंट करती है, डिनाय करती है स्टेट को टोटलिटेरियन बनने से, ठीक है। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात एक हमने ये भी पढ़ी थी कि अब मान लो देश की पार्लियामेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले आए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले आए जिससे फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर ही हट जाए कि भाई साहब ये पूरा चैप्टर ही फाड़ के फेंक दो, नहीं देनी कोई फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आ जाए। अब यहां तो ये कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को आप चैलेंज भी नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, फिर क्या करोगे, क्या आप चैलेंज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? ये तो कह रहा है नहीं कर सकते हो। तो ये पूरा जो ये सवाल है, इस सवाल को समझने के लिए हमें अलग से एक पूरा टॉपिक पढ़ना है, उस टॉपिक का नाम है बेसिक स्ट्रक्चर, वो हम कल पढ़ेंगे।